हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे यहाँ पे चीप एंड बेस्ट जो है आपको वायरलेस माइक्रोफोन चाहिए तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी जो है आप वायरलेस जो है माइक्रोफोन लेंगे जो आपके बजट के अनुसार हो और अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी आपको निकाल के दे। अगर आप चाहते हैं अपने यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए, या आपको कॉमेडी वीडियो बनाना है, या आप जो है ब्लॉगिंग करते हैं, या लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, सिंगिंग करते हैं, किसी भी पर्पस के लिए जो है अगर आपको जो है वायरलेस माइक्रोफोन चाहिए तो यहाँ पे स्ट्रीम अकोस्टिक के तहत जो है यहाँ पे सिंगल चैनल में या ड्यूल चैनल में वायरलेस माइक्रोफोन जो है अपने बजट के अनुसार से जो है आप ले सकते हैं। जो इसको आसानी से इसकी परफॉर्मेंस वाइज देखें तो पूरी डिटेल्स जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे, पूरी प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप जो है अनबॉक्सिंग करके इसकी जो है आपको साउंड क्वालिटी, इसकी नॉइज कैंसिलेशन, सारी डिटेल जो है आपको इस वीडियो में कवर करेंगे। कितनी दूरी तक जो है ये डिस्टेंस जो है कवर करती हैं, पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे। तो चलिए देखिए, हमने जो है 1 मंथ पहले जो है कॉस्टिक की जो है यहाँ पे एक्सट्रीम कॉस्टिक की जो है माइक्रोफोन परचेज किया था, जिसकी जो है बॉक्सिंग इस तरह से जो है रहती है। यहाँ पे आपको एक खूबसूरत जो है बैग मिल जाती है जो आप देख सकते हैं। इसके साथ यहाँ पे मेन जो है इसका मेन जो है कनेक्टर जो है आपको इस तरह से मिलती है। ठीक है, हमने जो परचेज किया है ड्यूल चैनल का परचेज किया है तो यहाँ पे मेन जो है यहाँ पे कनेक्टर आपको मिल जाती है। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे हमारा टू जो है रिसीवर जो है इस तरह से मिल जाती है, जो आप देख सकते हैं। ये हमारा जो है टू रिसीवर है और ये जो है मेन यहाँ कनेक्टर है, जिसको आप आसानी से जो है कैमरे में और अपने माइक्रोफोन में जो है इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसकी कनेक्टिंग जो कैपेसिटी है मात्र आपको 2 से 3 सेकंड में जो है ये कनेक्ट हो जाती है। देखिए इसको ऑन करने के लिए, देखिए इसको फिक्सिंग करने के लिए कैमरा में जो है इस तरह से इसको फिक्स कर सकते हैं, उसके हेड पे आप लगा सकते हैं इसको। इस तरह का इंटरफेस जो है आपको मिल जाती है, इसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको टू केबल मिल जाती है, टू केबल अलग अलग जो है यहाँ पे केबल मिल जाती है। एक केबल जो है आपको अपने कैमरा से कनेक्ट करने के लिए दी गई है और एक जो केबल दी गई है उसके थ्रू जो है आप मोबाइल में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 3 पिन 3 लाइनिंग आपको दिख रहा होगा कैमरे में, देख सकते हैं। अगर जो 3 सर्किल वाला जो है वो आपको मेन जो है यहाँ पे जो कनेक्टर है इसके साथ कनेक्ट करना होगा, कनेक्ट आपको इसमें करना है। देखिए यहाँ पे आपको इस तरह का सिंबल मिलता है, इसमें आपको कनेक्ट करना है। देखिए यहाँ पे जो सेकेंड कनेक्टर है वो ईयरफोन का दिया हुआ है। देखिए आपको हेडफोन का जो है यहाँ पे चिन्ह दिख रहा होगा, तो इस तरह से जो है आपको 3 जो पिन जो लाइनिंग है उसको इसमें कनेक्ट करना है। और इस साइड भी आपको देखिए ये 2 कनेक्ट 2 लाइनिंग इसमें दिख रहा है, तो ये आपको मोबाइल फोन से कनेक्ट होगा, ये आप ध्यान रखेंगे। 2 यहाँ पे लाइनिंग जो दिख रही है इसको आपको मोबाइल में कनेक्ट करना है। अगर कैमरे में अटैच करना है तो इस केबल को आप कनेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ इस साइड भी 3 लाइनिंग दिख रहा है और इस साइड भी सेम 3 लाइनिंग आपको दिख रहा है, तो सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे इसमें और एक जो पोर्ट जाएगा मोबाइल कैमरे में जो है कनेक्ट हो जाएंगे। तो कैमरे के लिए 3x3 लाइनिंग जो दी गई है उसको कनेक्ट करनी है। और यहाँ पे देखिए इसको ऑन करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे आपको ये चार्जिंग पॉइंट मिलता है USB, इसके थ्रू देखिए चार्जिंग पॉइंट का केबल आपको यहाँ पे दी गई है। देखिए USB केबल चार्जिंग है और इसमें 2 जो है आपको 3 टाइप जो है यहाँ पे कनेक्टिंग चार्जिंग मिलता है। देखते हैं यहाँ पे दोनों आप जो है मेन रिसीवर और जो आपका कनेक्टर है दोनों सिमल्टेनियस जो है एक ही टाइम में दोनों को आप चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग की बात करें तो जैसे इसको आप कनेक्ट करेंगे इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, इसको USB में कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करते ही जो जब चार्जिंग लेगा तो यहाँ पे रेड बटन जो है ऑन हो जाएगा, यहाँ पे रेड ब्लिंक आपको बटन शो होगा। जब ये फुल चार्ज हो जाएंगे तो ये जो रेड बटन है वो ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि आपको ये समझ लेना है कि जब ये फुल चार्ज हो जाएंगी तो यहाँ पे लाइट जो है जो रेड लाइट जलती हैं वो बंद हो जाएंगी, तो आप समझ जाइए कनेक्टेड जो है इसका फुल चार्ज हो गया। और ये आपको फुल चार्ज में लमसम आपको 1.5 से 2 घंटे में जो है ये फुल चार्ज हो जाती है। आपका रिसीवर जो है 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम आपको लगती है, तो दोनों को आप जो है एक ही टाइम इसमें जो है इसको कनेक्ट करके जो है आप चार्जिंग कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको कनेक्ट करके सिंपली जो है चार्जिंग में लगा देना है, चार्जिंग हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी मेन पॉइंट की, तो देखिए मेन इसका जो कनेक्टर है इस तरह से रहेगा। इसको ऑन करने के लिए यहाँ से चार्जिंग पॉइंट है, ये ऑन ऑफ स्विच दिया गया है
और ये दोनों है कनेक्टिंग कर दिया गया है। देखिए दो मोड दिया गया है, दो रिसीवर जो है उसको कनेक्टिंग करने के लिए। तो इसको दबाने के आपको प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली जो है 2 से 3 सेकंड में जो है ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑन करने के लिए सिंपली इसको इस तरह से इंटरफेस ऑन करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन लाइट दिख रहा होगा, ये ऑन हो गया। उसी तरह से इसको आप कनेक्ट कर लीजिए, कहीं पे रख लीजिए अपने कैमरे में, हेडफोन पे लगा लीजिए। अब इसको देखिए कनेक्ट करने के लिए, देखिए यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिलता है, चार्जिंग कनेक्टर है। यहाँ पे ऑन करने के लिए सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे इस तरह से। देखिए इसमें भी लाइट आपको ग्रीन लाइट जो है जल गई, जो देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑन हो गई। अब यहाँ पे इस साइड आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे आप ईयरफोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल ईयरफोन जो है इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आउटडोर में शूट कर रहे हैं, अगर नॉइज ज्यादा हवा तेज चल रही है, तो इसके साथ ईयरफोन जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं एक्सटर्नल और रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मोड चेंज करने के लिए दिया गया है, यहाँ पे 3 मोड दिया गया है, लो, मीडियम और हाई, जिसमें आप साउंड को लो क्वालिटी में, अगर आप लो वॉल्यूम में जो है साउंड को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो एक बार प्रेस करना पड़ेगा इसको। देखिए यहाँ पे प्रेस करने का देखिए ये तरीका है, जैसे यहाँ पे प्रेस करेंगे, देखिए एक टाइम प्रेस करेंगे तो इस जितना लाइट आपको यहाँ पे ब्लिंक करेगा तो समझ लीजिए वो मोड उतना हो गया। अगर 3 टाइम्स जो है लाइट ब्लिंक होता है तो ये सबसे हाई वॉल्यूम में आपका साउंड को रिकॉर्ड करेगी। फिर इसको एक बार प्रेस करेंगे तो अगर लाइट जो है 2 टाइम्स ब्लिंक करता है तो सेकेंड मोड में हो जाती है। अगर लाइट जो है एक मोड एक बार ब्लिंक करती है ग्रीन, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये जो है फर्स्ट मोड में आपका साउंड रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे लो, मीडियम और हाई 3 मोड यहाँ पे दी गई हैं साउंड रिकॉर्ड करने के लिए। आप 3 मोड में साउंड को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो बेटर यही रहेगा कि आप मीडियम मोड में जो है इसकी साउंड को रिकॉर्ड करें, अच्छा परफॉर्मेंस आपको मिलेंगी। अगर आप हाई वॉल्यूम में जो है साउंड को रिकॉर्ड करते हैं तो नॉइज जो है ज़्यादा ये कैप्चर करती है। मैंने एक्सपीरियंस इसका किया है और लाइव रिकॉर्डिंग भी आपको बताएंगे। तो देखिए इसको प्रेस करने के लिए आप इसी सिंपल मोड है, एक बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख लेना है कि लाइट जो है कितनी बार ब्लिंक हो रही है, तो उसी मोड से जो है आपको पता चल जाएंगी। उसी तरह से देखिए इसको अगर आप जो है ऑन करते हैं इसको भी, तो देखिए सिंपली कितना जल्दी कनेक्ट हो गया। देखिए ये दोनों लाइट ब्लिंक जल रही हैं, तो समझ लीजिए कि दोनों जो है कनेक्टर जो रिसीवर है वो दोनों कनेक्ट इससे हो गई है। सपोज दैट हम एक को बंद करते हैं तो देखिए एक लाइट जो है बंद यहाँ पे हो जाएंगी। देखिए इसको हम बंद करके देखते हैं, देखिए अब सिर्फ एक लाइट जो है जल रही है, सिर्फ ब्लू वाले लाइट जो है यहाँ पे जल रही है, ग्रीन जो है बंद हो गई। एक जो रिसीवर है उसको हमने बंद कर दी, तो कितना जल्दी ये कनेक्ट हो जाता है आप अनुमान लगा सकते हैं। जैसे ऑन करते हैं देखिए 2 सेकंड के अंतर्गत जो है ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो कनेक्टिंग के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, मोबाइल में या कैमरा में जो है बहुत आसानी से जो है ये कनेक्ट हो जाती है। तो एक अच्छा मतलब इसकी जो है आप इसको चेक कर सकते हैं साउंड क्वालिटी जो है। अब हम इसको इंडोर और आउटडोर में दोनों में शूट करके आपको बताएंगे, मोड वाइज भी इसको करके रिकॉर्ड को आपको लाइव दिखाएंगे कि जो है लो वॉल्यूम में कैसे रिकॉर्ड करती है साउंड को, मीडियम में कैसे रिकॉर्ड करती है और हाई वॉल्यूम में जो है कैसे रिकॉर्ड करती है, कितना नॉइज जो है इसको आती है, कितना नॉइज जो है कैंसिलेशन करती है। तो नॉइज कैंसिलेशन जो है इसका ऑटोमेटिकली है, कोई अलग से जो है इसमें मोड या बटन नहीं दी गई नॉइज कैंसिलेशन का, ऑटोमेटिकली जो है ये नॉइज कैंसिलेशन करती है ये माइक्रोफोन। फिर ड्यू चैनल का है, ड्यू चैनल का जो रेट है लमसम आपको 5500 रुपये के लमसम जो है आपको मैंने ली थी। और यहाँ पे सिंगल मोड में जो है अगर आप लेते हैं स्टीम कॉस्टिंग की वायरलेस माइक्रोफोन तो 2999 रुपये जो है यहाँ पे प्राइस दिखा रहे हैं अमेजन पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलिए अब इनडोर और आउटडोर शूट करके आपको लाइव दिखाते हैं कि किस तरह से साउंड को रिकॉर्ड करती है। बंद कर दो। हेलो दोस्तों, अब हम जो जो है साउंड को आउटडोर में जो है शूट कर रहे हैं, छत पे जो है शूट कर रहे हैं। अब देख सकते हैं इसका साउंड जो है थर्ड जो मोड है सबसे जो हाई मोड है उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं और डिस्टेंस लमसम हमने 30 फीट की दूरी पर आ चुके हैं। अब देख सकते हैं कि इसकी जो है साउंड क्वालिटी जो है आपको कैसी आ रही है, आवाज़ कट तो नहीं रही है, इसका डिस्टेंस आप चेक कर सकते हैं। तो 30 से 40 जो फीट है उसके तक जो है ये साउंड को ऑब्जर्व करती हैं। तो देख सकते हैं काफ़ी दूरी जो है डिस्टेंस पे हम आ गए हैं कैमरे से, तो आप सुन सकते हैं कि जो साउंड क्वालिटी है वो आ रही है, कट रही है, वो आप अंदाज लगा सकते हैं। अब चलिए सेकेंड मोड में जो है इसको हम रिकॉर्ड करके साउंड को देखते हैं। देखिए ये फर्स्ट मोड में जो है साउंड को रिकॉर्ड हो रही है, तो इस मोड में देख सकते हैं कि आउटडोर में अगर आप शूटिंग करते हैं इस माइक्रोफोन से तो किस तरह की आवाज़ जो है आपको रिकॉर्ड होती है,
ये आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब सेकंड मोड में जो है आउटडोर शूटिंग करके आपको बताते हैं। तो देखिए सेकंड मोड में जो है साउंड को जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि साउंड हमारे जो है किस तरह से रिकॉर्ड कर रहे हैं आउटडोर में, इसकी आप टेस्ट देख सकते हैं। और देखिए ये जो मैं है 30 से 40 फीट के जो है डिस्टेंस पे जो है हम साउंड को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं कि साउंड जो है हमारी रिकॉर्ड हो रही है नहीं, कट रही है या क्या। देखिए और डिस्टेंस है छत से, तो वो भी आप चेक कर जो है वो रिकॉर्ड कर रही है साउंड, ये आप चेक कर सकते हैं। देखिए थर्ड फ्लोर से जो आप यहाँ आ गए सेकंड फ्लोर पे, आप देख सकते हैं कि आपका साउंड जो है हमारी जो आ रही है कि नहीं आ रही कर सकते हैं कि अगर इस तरह से भी जो है आप अगर थर्ड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो साउंड को जो है ऑब्जर्व करती है, कैच करती है कि नहीं, इसमें आप टेस्ट कर चुके होंगे। तो ये था दोस्तों पूरी डिटेल जो हमने इस वीडियो में कवर की है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर किसी तरह के क्यूरी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद। बंद करो, बंद करने के लिए यहाँ